जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुंदर पिचाई आज सुंदर पिचाई का बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू तो यू वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वर्सटाइल हेडिंग गूगल वी आर वेरी प्राउड इंडियंस दैट सुंदर पिचाई इज बर्थडे आई एम कन्वेइंग थ्रू द आर्टिकल ऑफ मिस्टर शशिकांत सिंह इज ब्यूटिफुलटन इन आर्टिकल आई थिंक कैप्चर्ड ऑल द नुएंसिस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सुंदर पिचाई आपको मालूम है कि गूगल के सीईओ ओ सुंदर पिचाई दुनिया के प्रभावशाली शख्सियतों में एक हैं आप जानकर के खुशी होगी 2020 के टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में उनको लिस्ट में रखा है जी हाँ साल दो साल चार में पिचाई गूगल से बतौर मैनेजमेंट एग्जेक्टिव जुड़े थे और साल 2015 में गूगल के सीईओ बनाए गए इन 2019 में उनको गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बनाया गया कहते ना हो नहार बीनवान के हो चिकन पात तो वही सुंदर पिचाई की ज़िंदगी में जिस प्रकार से उन्होंने चाइयों का नापा है वो बहुत ही सराहनीय है और हिंदुस्तानी होने के नाते हम बहुत उनको अनुवान्वित महसूस करते हैं कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी गूगल को वो हेड करते हैं जी हाँ सुंदर पिचाई पिछले सत्रह सालों से गूगल में काम कर रहे हैं 10 जून उन्नीस को तमिलनाडु के मदुराई में साधारण परिवार में सुंदर पिचाई का जन्म हुआ था कोई बड़ी फैमिली से नहीं थे उनका पूरा नाम पिचाई सुंदरराजन है उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माँ का नाम लक्ष्मी है रघुनाथ पिचाई इनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं अब देखिए सुंदर पिचाई की शिक्षा कहाँ हुई सुंदर पिचाई की शुरुआत पढ़ाई लिखाई चेन्नई के अशोक नगर में हुई बारहवीं की परीक्षा में वनवाणी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पास की पिचाई पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर में बीटेक को डिग्री के लिए मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की पिचाई ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से एम की डिग्री हासिल की उन्होंने करियर की शुरुआत में सिलिकॉन वैली में एक सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी में इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी काम किया इसके बाद 2004 में गूगल ज्वाइन किया जी हाँ दो में ज्वाइन किया उन्होंने गूगल अब देखिए कैसे बने सीईओ ओ सुंदर पिचाई ये बड़ी दिलचस्प कहानी है सुंदर पिचाई ने गूगल में खूब तरक्की की उनको गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट चीफ भी बनाया गया सुंदर पहले गूगल सर्च के टूल बार पर काम करते थे जिसकी मदद से लोग फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे ब्राउज़र पर आसानी से गूगल सर्च कर सके सुंदर पिचाई ने अपना ब्राउज़र बनाने की सलाह दी थी लेकिन उस बात को गूगल के लोगों ने नहीं मानी अल्टीमेटली हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर अपना सर्च इंजन बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया गया जिससे गूगल के 30 करोड़ कस्टमर्स को खो दिया पिचाई ने हमेशा कहा कि अपना एक अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए इसके बाद गूगल को सुंदर पिचाई की बात माननी पड़ी पिचाई की कोशिश से 2008 में गूगल ने अपना एक यूज़र फ्रेंडली इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम था क्रोम ब्राउज़र आज दुनिया का सबसे नंबर वन ब्राउज़र है साल 2008 में उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बनाया गया 2012 में उनको क्रोम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 2013 में पिचाई को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हेड के तौर पर एंड्रॉयड वन की शुरुआत की और इससे 500 करोड़ लोगों को तक पहुंचाया। अगस्त 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया गया जी हाँ सात साल हो गए इसके बाद गूगल का पुनर्गठन हुआ और अल्फाबेट इंक गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट का सीईओ बना दिया गया आर्थिक तंगी से गुजरते थे पिचाई किसी सम्राट परिवार से नहीं आते थे सुंदर पिचाई आज दुनिया के सबसे मशहूर हस्तियों में से एक हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता था साल उन्नीस में स्टैनफोर्ड में बतौर पेइंग गेस्ट रहते थे उस दौरान पैसे बचाने के लिए वो पुरानी चीज़ों का कर इस्तेमाल करते थे लेकिन कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं किया सुंदर पिचाई की लव स्टोरी सुंदर पिचाई की अंजलि से मुलाकात आईआईटी आई खड़गपुर में हुई दोनों बैचमेट थे पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया और आईआईटी के बाद सुंदर मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए उस दौरान वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे इसलिए वो अंजलि से बात नहीं कर पाते थे छः महीने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई लेकिन इससे दोनों के रिश्ते कमज़ोर नहीं हुए बल्कि मजबूत हुए उस वक्त बाद अंजलि भी अमेरिका चली गई और कुछ वक्त बाद सुंदर पिचाई ने नौकरी की और उनकी आर्थिक हालत ठीक होने लगी उन्हें उन्होंने दोनों परिवारों की मर्ज़ी से शादी कर ली सुंदर पिचाई की कमाई सुनकर के आप दंग रहेंगे के मुताबिक यूनो सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक सुंदर पिचाई की नेटवर्क 600 मिलियन डॉलर है तो यू कैन इमेजिन हाउ रिच दिस मैन इज भारतीय मुद्रा में ये सैलरी करीब 45 अरब रुपए होगी साल 2015 से 2020 के बीच सुंदर पिचाई ने पिछहत्तर अरब रुपए की कमाई की सुंदर की बेस सैलरी 2 मिलियन डॉलर है यानी 15 करोड़ रुपए है बोनस और स्टॉक ग्रांट के जरिए भी कमाई होती है यह एक स्टॉक ऑप्शन था जिसके माध्यम से इनको इस्टॉक ऑप्शन मिलते हैं और उसमें वेस्टर्न वैल्यूज़ होती हैं ये अमेरिकन एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजी होती है बहुत हैविली इंसेंटिवाइज होती है और जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लंबे समय तक रुकते हैं उनको कई मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होता है जैसे मैं भी एक एंडरॉन में सी था और मुझको भी उसमें स्टॉक uh, ऑप्शन मिले अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉन कंपनी वेंट थ्रू द बस्ट मैं एक दिन आपको कहानी सुनाऊंगा एंड के ऊपर भी आप इंतज़ार कीजिए एंडरॉन ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अमेरिकन कंपनी थी और उसका मैं बाद में सीईओ बना और उसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा तब तक आप सब लोग मिलकर के मेरे साथ सुंदर पिचाई को हैप्पी बर्थडे उनके दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत थैंक यू